आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनकी वन ऑफ दी फैंटेसीज है कि उनको लिव इन रिलेशनशिप में रहना है। लिव इन रिलेशनशिप क्या होता है? वो जो शादी के पहले लोग एक साथ रहते हैं ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनके रिलेशनशिप में एक साथ रहते हैं, यानी कि पूरी आपको वाइफ और हस्बैंड वाली फीलिंग लेनी है, सब कुछ करना है, लेकिन शादी के बिना। अब उसको हम कहते हैं लिव इन रिलेशनशिप। अब ये क्यों जरूरी है, क्या इसके फायदे हैं, क्या नुकसान है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन कमेंट सेक्शन में वो सारे लोग बता दो जो लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे कहेंगे कि भाई अभी तक हम रिलेशनशिप में नहीं आए, नॉर्मल वाले तो लिव इन रिलेशनशिप की बात कर रहा है। मतलब एक गाना याद आ गया मुझे, वो कौन सा था कि आंख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो। मतलब ठीक है, मतलब नहीं मत मुस्कुराओ, कोई बात नहीं, लेकिन हम फायदे के बारे में बात करेंगे कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने के क्या क्या फायदे होते हैं। कुछ एक्सपीरियंस है, थोड़ा सा कुछ ऑब्जर्वेशन है, चलो बात करते हैं। सबसे पहला फायदा कि ये परफेक्ट आपको पूरी की पूरी फील देगा वर्चुअल मैरिज की। हम सबकी तमन्ना होती है कि शादी के बाद हम कैसे रहेंगे, मेरी वाइफ मेरे लिए ये करेगी, मैं उसके लिए वो करूंगा। ये सारी जो हवा हवाई बातें होती है ना, वो सारी आप मैरिज के पहले ही जी लेते हो और वहां पर कोई बॉन्डेज भी नहीं होता, कोई इशू भी नहीं होता, है ना। अब शादी के बाद अगर आपको तलाक लेना है तो भाई बहुत बुरी हालत हो जाती है, बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है फैमिली का, और जो सोसाइटी का प्रेशर होता है वो अलग होता है। लेकिन जब आप एक रिलेशनशिप में होते हो, उसमें ब्रेकअप के बाद क्या ही फर्क पड़ता है, घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो एक आप परफेक्ट मैरिड लाइफ जी सकते हो वर्चुअली, है ना, रह के एक साथ। और बहुत सारी हम जो बातें होती है ना कि मैं उठूंगा और मैं अपनी वाइफ को उठाऊं, जो आपने इंस्टाग्राम की रील्स में देखी हुई हैं, मूवीज में देखी हुई हैं, कि मैं जाऊंगा अपने बीबी को प्यार से उठाऊंगा, है ना, उसके फोरहेड पे थोड़ा थोड़ा वो जो केयर्स करते हैं ना, मतलब जो मसाज टाइप करते हैं कि बेबी उठ जाओ, और कॉफ़ी दूंगा उसको एक हाथ से, और फिर उसको किसी करूंगा, ये जो सारी बातें आपने सोची हुई है ना, ये रियलिटी में नहीं होती हैं। ये बस सोचने में अच्छा लगता है, ये देखने में अच्छा लगता है, होना कितना आसान है कितना मुश्किल है। कभी आप रहिएगा तो बताइएगा ज़रूर। ये आपकी जब शादी हो जाए, और जो शादीशुदा हैं उनको पता होगा कि ये बस कहने में अच्छा लगता है कि जो बंदी होगी, है ना, लड़कियां कहती हैं कि मेरी है ना फैंटेसी है कि हम साथ में रहें और मैं ना अपने बॉयफ्रेंड की हुडी पहनूं, और है ना वो जो लॉन्ग सी हो, थोड़ी है ना थोड़ी ढीली ढाली सी हो और अच्छी लगे ये, और नीचे कुछ ना पहनूं। ये सारी बातें देखो, ये मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैंने बहुत बातें की हैं ये सारी, बट मुझे एक चीज़ ये भी पता लग गई कि ये बस कहने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब तुम रहते हो ना तो ये सब नहीं रहता। फिर ऐसे ऐसे मुद्दे आते हैं कि किसी ने पाद मार दी, है ना, अब उसकी बदबू फैल गई, अब बताओ किसने मारी, क्या बताओ कितना ऑकवर्ड सिचुएशन होगा। या तुम मान लो तुम पॉटी करके आए, तुम ठीक है हग वग के आए और वहाँ पे बदबू आ रही है, तो वो एक अजीब सा सिचुएशन हो जाएगा, और मैं तुम्हें ऑकवर्ड, पूरा ऑकवर्ड बनाने की कोशिश करता हूँ गंदे लेवल का। तो मान लो अगर तुम्हें ड्रिंक करने का शौक है कि हम ड्रिंक करेंगे, तुमने ज़्यादा ड्रिंक कर ली, वहाँ पे तुमने वॉमिट कर दिया, है ना, उल्टियाँ मार दी, फिर वो देखो कितना ऑकवर्ड। अब समझ लो कि जो तुम हवा हवाई बातें करते हो कि ये होगा, है ना, बिल्कुल फेरी टेल्स में जीते हो कि हम एक दूसरे के लिए ये करेंगे वो करेंगे, हम दोनों एक साथ शार लेंगे और एक साथ हम यहाँ पे सेक्स करेंगे, वहाँ पे इस पोजीशन में करेंगे, उस, अरे कोई पोजीशन याद नहीं रहती उस टाइम पे। उस टाइम ये होता है कि काम कौन करेगा, झाड़ू कौन लगाएगा, पोछा कौन मारेगा, तुमने वो साफ शीट जाके साफ करके आओ, कमोड जो होता है उसको वो साफ करके आओ, कौन करेगा, तुम्हें करना पड़ेगा भाई। इतना काम तुमने भाई कभी घर पे नहीं किया होगा, जब तुम रहने लग जाओगे तो करना पड़ सकता है। तो बस मैं तुम्हें एक फील देना चाहता हूँ, तुम रहोगे नहीं रहोगे मुझे नहीं पता, बस थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन और थोड़ी सी एक्सपीरियंस से जो फील होती है ना वो साझा कर रहा हूँ। तो भैया एक पूरी मैरिड लाइफ आप जी सकते हो और वहाँ पर कोई प्रेशर भी नहीं है बच्चा अच्छा करने का, ना मस्त रहोगे तुम एक साथ, वहाँ पर कोई ये सब भी इशू नहीं है कि, है ना। अगले पॉइंट से बात करते हैं। तो दूसरा जो फायदा इसका मुझे लगता है कि एक हार्ड कोर कंपैटिबिलिटी टेस्ट होता है। मतलब जो तुम, मैं कभी कभी सोचता हूँ ना कि लिव इन रिलेशनशिप को अलाउ कर देना चाहिए। लीगली तो खैर अलाउ है, मुझे लगता है कि कोई मना नहीं कर सकता अगर तुम्हारी एज वेज हो गई है तो, इवन कि शायद फैमिली मेम्बर्स भी मना नहीं कर सकते हैं। एनीवे, मुझे ऐसा लगता है ना कि सोसाइटी में ये चीज़ एक्सेप्ट कर देनी चाहिए, कभी कभी लगता है, क्योंकि देखो जब हम शादी करते हैं तो शादी हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है, और ये कह सकते हैं हम कि ये दी मोस्ट या दी बिगेस्ट डिसीजन होता है, या वन ऑफ द बिगेस्ट डिसीजंस हो सकता है। क्योंकि देखो 20-25 में हम शादी कर लेते हैं, 15 साल तक तो हमें वैसे भी अकल नहीं होती, तो 15 से हमने कितनी लाइफ जी, 10 साल जी है बस 25 साल तक, ठीक है। उसके बाद हम 25 मान लो 30 के बाद भी शादी करते हैं तो 30 से 30 यानी कि जितनी लाइफ तुम अपने अभी कॉन्शियस लेवल पे जिए हो ना, उसकी 3 गुना लाइफ तुम्हें एक इंसान के साथ जीनी है।
समझ रहे हो? तो कितना बड़ा डिसीजन, वो इंसान तुम्हें आबाद भी कर सकता है, तुम्हें बर्बाद भी कर सकता है, तुम्हारी ज़िंदगी को नरक भी बना सकता है और एक जन्नत भी बना सकता है। लेकिन जन्नत कम बनता है, जहन्नुम ज़्यादा बनता है, नरक ज़्यादा बनता है, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो मुझे लगता है अलाउ कर देना चाहिए, क्योंकि इससे ना आप कंपैटिबल हो जाते हो या कंपैटिबिलिटी आपको पता लग जाती है। लेकिन आजकल हम लोग कैसे शादी करते हैं ना, कि लड़की वालों को देख लिया, लड़कों वालों को देख लिया और सीधे शादी की पेल दी भाई, कि लो शादी कर लो, लड़की सुंदर है, लड़की गवर्नमेंट जॉब है, लो शादी कर दो। भाई जॉब अच्छी होने से पैसा अच्छा खासा कमा रहा है या फिर वो लड़की सुंदर है, इससे शादीशुदी का कोई ज़्यादा कुछ खास लेना देना है नहीं। अंदर की बात बता रहा हूँ, है ना। ऑब्वियसली यार, अगर बंदा अच्छा कमा रहा है तो उसको घुमाएगा फिराएगा, लड़की खुश रहेगी, या अगर बंदी खूबसूरत है तो बंदा कहीं और मुंह नहीं मारेगा, घर आएगा, उसको अटेंशन देगा, रात में भी अटेंशन देगा, समझ रहे हो, तो बंदी खुश रहेगी। बट देन यार, पता है कि जब एकदम हार्ड कोर अंदर घुसोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि ये इतना मायने नहीं रखता। आप बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप को नहीं, मैरिड लाइफ में कभी देख लीजिएगा, जहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत पैसा होता है, बहुत सारी चीज़ होती है, लेकिन वहाँ पर भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। वाइफ बहुत खूबसूरत होती, भाई घर पे कैटरीना बैठी हुई है, लेकिन उसको छोड़ के वो बंदा कहीं और मुँह मार रहा होता है। भाई मतलब बंदे पे इतना पैसा होता है उसके हस्बैंड पे, लेकिन फिर भी वो कहीं और मुंह मार रही होती है, वो सेटिस्फाइड नहीं होती, या जो भी उनके एक्स वाई ज़ेड जो भी रीजंस होते हैं। बट देन मेरा मतलब ये था कि कंपैटिबिलिटी आप जान सकते हो, कि देखो जब आप कॉल पे बात करते हो या जब आप थोड़ा बहुत कभी कभी डेट वेट मारते हो ना, तो वहाँ पर बातें पेलना बहुत आसान होता है। मैंने खुद अपने रिलेशनशिप्स में देखा है कि कॉल पे बातें पेलना बहुत आसान होता है, मिलके कहीं बाहर रेस्टोरेंट में बैठ के बातें पेलना बहुत आसान होता है, कि हम साथ में रहेंगे, मैं तेरे लिए ये करूँगा, तो जब गुस्सा हो जाएगी मैं तुझे पीछे से आके हक कर लूँगा, फिर तू मेरे को हटाएगी लेकिन फिर भी मैं नहीं हटाऊँगा, और फिर तू हल्के से स्माइल करेगी और मैं तुझे कस के हक कर लूँगा। उसके बाद और भी कुछ चीज़ें होती हैं जो कि मैं तुम्हें नहीं बताऊँगा। तो ये सारी चीज़ें कहने में लगता है, लेकिन जब सच में तुम्हारी फाइट होगी ना भाई, टच करोगे बंदी खींच के थप्पड़ देगी वहाँ पे, कि क्या बकचोदी है। वहाँ पर ईगो आ जाता है, जब आप चीज़ें इमेजिन करते हो तो वहाँ पर ईगो नहीं होता, और ईगो ही सबसे बड़ा दुश्मन है। वहाँ पर गुस्सा नहीं होता, वहाँ पर सिर्फ ख्याली पुलाव होते हैं, ठीक है। तो उन ख्याली पुलाव से निकलने के लिए, एक दूसरे की सच्चाई जानने के लिए कि कौन कितना पानी में है, ये बोलता है कि मेरी इतनी केयर करेगा, ये मुझे इतना प्यार करेगा, सपोर्ट करेगा, मेरे साथ हर टाइम खड़ा रहेगा, है ना, ये सारी कहने में बातें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जब साथ में होंगी तो आपको पता चल जाएगा। और फ़ायदा इसका यही होता है कि एक साथ रहोगे, बनी बनी नहीं बनी तो फिर, है ना, मत रहो, मत करना शादी। बट ये थोड़ा बहुत मतलब एब्सर्ड, मतलब बहुत ब्लैंकेट टाइप ऑफ स्टेटमेंट हो जाएगी कि भाई ये चीज़ सही नहीं है सोसाइटी के तौर पे। मतलब तुम क्या बातें कर रहे हो कि अब शादी से पहले बंदा बंदी जाकर सेक्स करे, तो वो तो वैसे भी कर रहे हैं, समझ रहे हो, तो वैसे भी कर रहे हैं। जो हमारी जो सोसाइटी कह रही है, जो बड़े बड़े अंकल आंटीज़ कहते हैं, उन्होंने अपने उम्र में क्या गुल खिलाए होंगे तो वो नहीं पता होगा, समझ रहे हो। तो सब कुछ होता है, बट लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते इस चीज़ को, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये एक्सेप्ट होना चाहिए। माइट बी बिकॉज कि मुझे लगता है कि मेरा मन है, या शायद मुझे अच्छा लगा, जो भी है, पर हाँ अच्छी चीज़ है, रहना चाहिए, मत करना सेक्स, ज़रूरी थोड़ी है। पर पता है ना तुम्हें कि जब एक लड़का और एक लड़की बेड पे सोते हैं, है ना, तो ये चीज़ें हो ही जाती हैं, चाहे आप कहीं के भी शूरवीर हो, समझ लो, कहीं के भी शूरवीर हो जाती हैं। नंबर थर्ड जो आपको फ़ायदा इसमें देखने को मिल सकता है, कि यहाँ पर आपके पास कोई भी सोशल बैरियर नहीं होगा, कोई भी प्रॉब्लम टाइम का इशू नहीं होगा। अब नहीं होगा कि आप बोलोगे कि यार मेरे को काम करना है, मुझे ये करना है, मम्मी बुला रही हैं, है ना, पापा ने बुलाया है, पापा मार पड़ेगी आज मेरे को, मेरे को बाहर कहीं घूमने जाना है। नया कोई झूठ होता है ना, कि मेरे को ये काम करना है, मैं कॉल नहीं कर पाऊँगा, मैं बात नहीं कर पाऊँगा, वहाँ पर टाइम ही टाइम है। और क्योंकि यहाँ पर टाइम ही टाइम है, ये आपको एक कंडीशन दे देती है मेक और ब्रेक की। हमारे ना ट्रेडिंग में होता है, स्टॉक मार्केट में मेक और ब्रेक लेवल, वहाँ से मार्केट या तो ऊपर ही शूट कर जाएगी या तो नीचे घुस जाएगी, वो पूरा डाउन हो जाएगी। तो ऐसे एक हम शब्द कहते हैं ना, एक ईडियम होता है आर या पार, या तो यहाँ से आ रहा है या तो या पार है, भाई जो होगा देखी जाएगी वो वाला। यहाँ पर इतना टाइम इन्वॉल्व हो जाता है ना, कि भाई अगर तुम्हारी बननी होगी तो इतनी अच्छे से बनेगी ना भाई, तुम इतना मस्त रहोगे एक दूसरे के साथ, मज़ा आ जाएगा। और अगर नहीं बननी होगी ना, तो वहाँ पर टाइम इतना है कि तुम्हें एक दूसरे की सच्चाई भी दिखने लग जाती है। वहाँ पर जो सामने झूठ बोलता था कि मैं ये काम करो, वो अब वो यहां पर झूठ नहीं बोल सकता। आप कोई भी काम करो, एक दूसरे की नजर में हो, सामने वाला क्या है, सामने वाला क्या नहीं है, वो आपको दिख रहा है ना। तो ये कुछ तीन मुझे लगता है कुछ फायदे हैं
आपको क्या लगता है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं? और सबसे पहले ये बताना कि क्या लिव इन रिलेशनशिप में अलाउ मतलब कर देना चाहिए सोसाइटी को? अगर हाँ तो मतलब क्यों, और अगर नहीं तो क्यों नहीं? ज़रूर जाना चाहूँगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद।